तुलसा माता, मैया जय तुलसा माता, वटुपुत्री हे श्यामा, सूर्यबल्ली हे ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता, मैया ओम जय तुलसा माता। अध्याय 16। राजा पृथु से पूरी नारद जी कृपया अन्नकूट गोवर्धन का महत्व। तब नारद ने लगे कि हे कार्तिक सुदी, हमको गोवर्धन पूजा तथा अन्न होता है। इस दिन पृथ्वीवर को गोवर्धन कर उसका पूजन और फिर अन्न बनावे। पहले को भोजन करा, स्वयं भोजन करें, गो तथा बैल तथा करें। दिन तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे, उसी दिन जमात्र जवाई का पूजन भी होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु से ब्याही गईं। इससे आनंदित होकर समुद्र के भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तो अन्नकूट गोवर्धन की छोटी सी कथा थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगती है ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल और एक कथा के लिए। इसमें गोवर्धन और अन्नकूट के बारे में हमने बताया। तो धन्यवाद।